नमस्कार, मैं राजू शर्मा आपका स्वागत करता हूँ प्रयागराज इन में। इस समय हमारे साथ वो कर्मचारी मौजूद हैं जो कि एम्बुलेंस लेकर इस समय खड़े हैं संगम के इस तट पर। हड़ताल हो चुकी है, 108 एम्बुलेंस की अनिश्चितकालीन हड़ताल है। आइए उनसे पूछते हैं, सर क्यों ऐसा किया आपने, क्यों हड़ताल हो रखी है? आज हम लोग हड़ताल किए हुए हैं 108-102 यूनियन, इस वजह से कि कंपनी ने हम लोगों को वेतन मान से वंचित कर पायलट प्रोजेक्ट के तहत 108 एम्बुलेंस पे 100 रुपये और 102 एम्बुलेंस पे 60 रुपये प्रति केस के हिसाब से वेतनमान देने के लिए कहा गया है, और 3 महीने से हम लोगों को वेतनमान नहीं दिया गया। अगर एम्बुलेंस हमारी दिन भर में एक ही केस करती है तो हमें 60 रुपये ही मासिक दिन भर के आय प्राप्त होते हैं, जिससे हमारा खर्चा नहीं चल सकता है। और 102 जिसे हाँ, और उसमें हमको 24 घंटे अलर्ट रहना पड़ता है। सर आपसे भी यहाँ पे हम जानना चाहेंगे कि कितनी बड़ी समस्या है, क्योंकि पहले जैसा कि आप लोग बार बार बता रहे कि ऐसा नहीं होता था, वेतन आता था, कितने महीनों से वेतन नहीं आया? क्या सर, ये 3 से 4 महीने से वेतन नहीं आ रहा है, और 3-4 महीने पर वेतन अगर आता भी है तो 1 महीने की कंपनी देती है, उसके बाद में 2 महीने की कंपनी अपने पास में रख लेती है। ऐसी समस्या है कि जो कि हमारे जो भी कर्मचारीगण हैं सब अस्त व्यस्त हैं, वो अपनी जो है बच्चों को न पढ़ा सकते हैं, न लिखा सकते हैं, न उनको खिला सकते हैं, ऐसी समस्या हो गई है। कर्मचारी इस कगार पे हैं, उनके जेब में 1 रुपये खाने के पैसे नहीं। गाड़ी अगर बिगड़ जाती है तो कंपनी कहती है, अधिकारी कहते हैं तुम अपने जेब से पैसा लगा के गाड़ी बनवाओ, अब वो पैसा तुमको मिलेगा, पैसे वो पायलट को नहीं मिलते हैं, आज तक नहीं मिले हैं, यहाँ तक कि पंचर तक के पैसे कंपनी नहीं देती है, ठीक है। और बाद में कंपनी को बोला जाएगा, बोलेंगे वो तो आप करें, हमको क्या मालूम है, कागज आएगा, ये वगैरह पल्ला झाड़ लेंगे, ये कंपनी का स्थिति है। और प्लस हम लोगों का यही है कि सर सरकार जो है ये संस्था बंद करके अपना जो है अपने थ्रू संस्था के तहत ये चलाए और हम लोगों को सामान्य वेतन दे और सामान्य काम ले। जो भी हमारे शोषण हो रहे हैं ये कर्मचारी, उससे ये लोग मुक्ति पाए, हम लोगों का यही वो है सर। यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात सामने आई, जिस तरीके से कि परेशान है कि 60 रुपये एक पर्सन पर इनको मिलेगा, यानी कि घर का आर्थिक सहयोग नहीं चल पाएगा। 8,000 से ज़्यादा एम्बुलेंस इस समय सड़क पर आ चुकी है, चक्का जाम हो चुका है और बहुत ही ज़्यादा परेशानी का सबक। एक साथ ही और हमारे साथ जुड़े हुए आइए उनसे। सर मेरा नाम बंशीधर मिश्रा। ये समस्या किस तरीके की है, क्या बताना? ये समस्या है सर, JGBK MRI कंपनी है, एकदम से हमारे कर्मचारियों को और हम लोगों को एकदम शोषित किए दे रही है। यही एक सबसे बड़ी समस्या है कि जो हम लोग वेतन पा रहे थे, आज वेतन से भी कटौती करके हम लोगों को नए पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत डाल रही है, जिसमें 100 रुपये और 50 रुपये देने को तैयार है। तो ये बताइए कि हम लोग 300 किलोमीटर ड्यूटी करके और 100 रुपये और 50 रुपये के केस में क्या जीविका चला पाएंगे? और दूसरी बात ये है, इस 2012 से हम लोग आज 7 साल से ड्यूटी कर रहे हैं और करने के बजाय हम लोगों का एग्रीमेंट नहीं हो रहा है, वेतन नहीं बढ़ रहा है और हम लोगों को घटाया जा रहा है, एक एक पैसे घटा के आज पायलट प्रोजेक्ट पे दिया जा रहा है। और हम बताओ पायलट प्रोजेक्ट में अपनी जीविका चला पाएंगे, अपने परिवार का पालन पोषण कर पाएंगे, अपने घर की 2 रोटी चला सकते हैं? कब तक की हड़ताल है? यही एक उद्देश्य है हम लोगों को, अनिश्चितकालीन ये हड़ताल मेरा रहेगा और सीधा कार्य यही है कि मुझे सामान्य वेतन और सामान्य कार्य के अंतर्गत किया जाए और ये शोषण करने वाली कंपनी जीविका को एकदम से हटा दिया जाए। अभी कोई आला अधिकारी आया सुबह से? यहाँ से आए 2 आला अधिकारी आए और हमारे आप मीडिया बंधु को देख करके चुपके से दाव दबा के भाग गए, जो ना मेरी सुने ना अपनी सुने। हम लोग एक तरीके से इनका माध्यम बने, हमारी जनता से भी अपील है कि कड़ी कार्रवाई करते हैं, क्योंकि यहाँ पर परेशान है, हताश है और एक हड़ताल है, इसका संज्ञान लें और जो भी उचित कार्रवाई हो उसको आगे बढ़ाएं। मैं राजू शर्मा अपने सहयोगी कैमरामैन के लिए प्रयागराज से।